सवाल ये है कि शुड रुद्राक्ष बी रिमूव्ड एट नाइट, रात के सोते समय रुद्राक्ष का निकाल देना उचित है या अनुचित है? देखिए रुद्राक्ष जितना पहनेंगे उतना अच्छा है, रुद्राक्ष को जितना भी आपका स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है उतना अच्छा है। किस प्रकार से? जो आपके स्किन में जो सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर होते हैं मेम्ब्रेन। नाउ दिस मेम्ब्रेन्स दे वर्क लाइक माइक्रोचिप्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये मेम्ब्रेन्स दे डाउनलोड द एनर्जी फ्रॉम द रुद्राक्ष, इतना समझिए आप। तो जितने आपके बॉडी में कॉन्टेक्ट में रहेगा उतना अच्छा है। लेकिन सब मतलब ये नहीं कि बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं है, जैसे आपने बनियान पहनी हुई है, शर्ट पहनी, उसके ऊपर आपने पहन लिया तो काम एकदम नहीं करेगा, करेगा। जैसे आप देखते हैं कि एक चुंबक होता है, चुंबक जो है यदि कोई चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों के बीच में कोई छोटा सा कपड़ा है, पतला कपड़ा वगैरह भी हो, पेपर वगैरह है, तभी उसको खींचता है। कब खींचता है? खींचता है तो रुद्राक्ष तो पहनने से काम करेगा, कपड़े के अंदर पहने, टच हो तो ज्यादा बेहतर है। तो जितना देर ज्यादा पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो जो आपका सवाल है कि रात को उतार सकते हैं, हाँ गर्मी है, पसीना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आप खेलने गए हुए हैं, आपको पसीना आता है, उस सवाल निकाल सकते हैं रुद्राक्ष को। लेकिन कोशिश करेंगे जितना ज्यादा अगर आप पहने। इफ यू आर वेयरिंग द रुद्राक्ष एंड स्लीपिंग विद योर वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीमेट मोमेंट्स, दैट टाइम इफ द पर्सन इज नोन टू यू, द एनर्जी इज नोन टू यू एंड यू वेयर द रुद्राक्ष, देयर इज नो हार्म। बट इफ यू आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद समबडी हुज एनर्जी इज नॉट नोन टू यू एंड यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, बेटर टू रिमूव इट। क्यों? Energy of other person can contaminate it. Especially the bad energy of other person can be absorbed by the Rudraksh. तो आपने जितना भी चार्जिंग किया होगा उसको ढंग से पहने होंगे, वो सब आपका नुकसान हो जाता है। तो पहनने की कोशिश करें जितना पहन सके। रात को यदि पहन के सो सकते हैं तो अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रात को उतारते हैं तो अपने तकिए के पास रख लीजिए, अपने सिरहाने रख लीजिए, पिलो के पास रख लीजिए। और एक चीज जरूर कीजिएगा, रात को उतारते हैं तो आप या पहने हुए भी हैं तब भी, इफ यू आर राइट हैंडेड पर्सन यूज योर लेफ्ट हैंड, होल्ड द रुद्राक्ष जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप एंड थिंक अबाउट थिंग्स व्हिच यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू वांट टू हैव थ्रू दिस रुद्राक्ष। द रुद्राक्ष बिकम्स द मीडियम फॉर यू। जैसे आपके पास में रेडियो सेट है, आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, FM चैनल सुनना है, गाने सुनना है, ड्रामा सुनना है, कुछ भी आप सुनना चाहते हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और चीज करते हैं। तो वैसे ही एक फ्रीक्वेंसी को लेके आप सोचेंगे, रुद्राक्ष को उसका एक मीडियम बनाएंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। जैसे आप सो के उठते हैं तो पहले का वही करना चाहिए, यूज योर लेफ्ट हैंड होल्ड द रुद्राक्ष एंड थिंक अबाउट द सेम थिंग व्हिच यू थॉट ऑन द नाइट। प्रतिदिन अलग अलग थॉट प्रोसेस लेके प्रोग्रामिंग मत कीजिए, वी कॉल इट प्रोग्रामिंग। और ये सोने से पहले और ठीक उठने के बाद जो स्टेज होता है, जो कहते हैं हेपागॉग स्टेज, ऑल द साइंटिस्ट दे गेट ब्राइट आइडिया ड्यू टू द हेपागॉग स्टेज। आप जब इसके बारे में जानना नहीं जानते हैं तो गूगल कीजिए, देखिए हेपागॉग का मतलब क्या होता है। दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव। तो ये क्रिएटिविटी के जो आपका माइंड का उस समय फ्रीक्वेंसी काम करता रहता है, चलता रहता है, माइंड केमिकल्स जो रिएक्शन निकलते रहते हैं बॉडी में, उस समय यदि आप सोचते हैं और रुद्राक्ष को उसका एक हिस्सा बना लेते हैं, तो रुद्राक्ष बिकम्स अ मीडियम एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर यू। आप उसको ट्राई करके देखिए किस प्रकार से काम करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें, खरीदना भी चाहते हैं उधर से हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusfinisher.com। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusfinisher.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।